नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं इंडियन बायोग्राफी चैनल। दोस्तों, अब तक आपने कई सारे कबड्डी प्लेयर्स की बायोग्राफी देखी होगी, लेकिन आज जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ वह सबसे अलग है। दोस्तों, आज की कहानी है इंडियन कबड्डी वुमेन्स टीम की कैप्टन ममता पुजारी की। दोस्तों, ममता पुजारी का जन्म 1986 में कर्नाटक की एक तहसील उपड़ी के एक किसान परिवार में हुआ था। बचपन से ही स्कूल में खेलों में वे काफ़ी आगे थीं। वॉलीबॉल और कबड्डी उनके सबसे मुख्य खेल थे। अपने स्कूल के दिनों में ही उन्होंने कबड्डी का अपना साफ नज़रिया कर लिया था। वे कबड्डी खिलाड़ी बनना चाहती थी। हालांकि उनके पिता खेलों के प्रति इतनी दिलचस्पी नहीं रखते थे, लेकिन इसके बावजूद वह ममता को स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी सपोर्ट करते थे। दोस्तों, एक बार की बात है, उनके स्कूल में एनुअल गेम्स होने जा रहे थे। ममता ने वॉलीबॉल और कबड्डी में भाग लिया था। हालांकि सभी जानते थे कि ममता कबड्डी में काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन बाहर से आए जिसको इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। जब कबड्डी का मैच शुरू हुआ तो ममता की ज़बरदस्त राइडिंग स्किल को देखकर सभी उनसे काफ़ी प्रभावित हुए। अपने बेहतरीन प्रदर्शन ने उन्हें गोल्ड मेडल दिलाया और दोस्तों शुरुआत हो गई ममता के कबड्डी करियर की। इसके बाद उन्होंने कॉलेज में भी काफ़ी कबड्डी खेली। एक बार की बात है, मंगलोर यूनिवर्सिटी की कबड्डी टीम कर्नाटक स्टेट चैम्पियनशिप में कबड्डी खेलने गई थी। दोस्तों, यहां पर पूरे कर्नाटक की कबड्डी टीम आई थी। टूर्नामेंट में ममता का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा। भारतीय रेल की कबड्डी टीम के कोच ने ममता को भारतीय रेल में नौकरी ऑफर की। स्पोर्ट कोटा के साथ ममता इंडियन रेलवेज का हिस्सा बन गई। इसके बाद ममता नौकरी के साथ साथ इंडियन रेलवेज की वुमेन्स टीम से कबड्डी खेलने लगी। वह जहाँ भी जाती थी उनके बेहतरीन कबड्डी स्किल्स के चर्चे उनके साथ ही जाते थे। देखते ही देखते ममता एक मशहूर कबड्डी खिलाड़ी बन गई। उन्हें नेशनल वुमेन्स कबड्डी टीम में शामिल कर लिया गया और उन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल कबड्डी सन 2006 में ही साउथ एशियन गेम्स के दौरान खेली। कोलंबो में हुए इस टूर्नामेंट में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद साउथ कोरिया में 2011 में, थाईलैंड में 2015 में हुए एशियन गेम्स में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिया। दोस्तों, सन 2016 में उन्हें भारतीय वुमेन्स कबड्डी टीम का कैप्टन बनाया गया और इसी के साथ साथ उन्हें भारत सरकार ने अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया है। दोस्तों, बचपन के अपने शौक को अपने कैरियर में बदलकर ममता पुजारी ने सभी को यह बता दिया है कि अगर आपकी कोई भी स्किल्स अच्छी है तो आप उसे कैरियर बना सकते हैं और ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी वुमेन्स कबड्डी टीम की कैप्टन ममता पुजारी की। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि ऐसे ही वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। धन्यवाद।